हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक इंच में कितना सूत होता है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं और उसको हम किस तरीके से रीड करते हैं इस मेजरमेंट टेप की हेल्प से, किस तरीके से आप रीड करेंगे वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। भले आप भूल भी जाए फिर भी अगर ये टेप आपके पास है तो आप उसको मालूम कर सकते हैं। सूत जो होता है वो इंच का लीस्ट काउंट होता है, जो कि सूत का जो यूज़ है वो गाँव में ज़्यादा होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि एक इंच में होता है 8 सूत। ये भी एक यूनिट है। अगर सूत में कोई पूछ लेता है आपसे, इंटरव्यू में भी खास करके पूछा जाता है कि एक इंच में कितना सूत होता है, तो आपको मैं बता दूं कि वो होता है 8 सूत। अब उसको 8 सूत को आप किस तरीके से रीड करेंगे वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ टेप की हेल्प से। अब जैसे आप ये टेप खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का जो सेक्शन है वो सब मीटर वाला सेक्शन है, मीटर फीट। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी कोई भी इंच ले लेते हैं, 19 से 20 का इंच ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 19 से 20 तक का वो होता हो जाता है एक इंच। ओके, अब यहाँ पे ना चार पार्ट में डिवाइड किया गया है इंच को। ये एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया, ये तीन और ये चौथा पार्ट, यानी कि चार पार्ट में डिवाइड किया गया है इंच को और उसके अंदर भी हाफ ऑफ पार्ट को डिवाइड किया गया है। इसमें दिखाने से अच्छा है कि मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ उसका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अभी मैं बता देता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था तो वो ये था कि सपोज़ ये एक इंच हो गया, ये 19 से 20 का इंच, ठीक है। अब उसके बीच में चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब वो कैसा कि बीच में एक बड़ी लाइन है और उसके बीच में भी एक एक लाइन दिया गया है, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 चार पार्ट में डिवाइड किया है इंच को। अब इस पार्ट में भी बीच बीच में डिवाइड किया गया है, उसको मैं दूसरे पेन से बता देता हूँ ऐसा ऐसा डिवाइड किया गया है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये होता है एक सूत, ये होता है एक सूत, यानी कि ये एक सूत हो गया, ये एक सूत हो गया, ये एक सूत हो गया, तो ये सब हो गया एक सूत जो ये डिवाइड किया गया है। तो ये मैं आपको बता, अब 8 सूत कैसा हो जाता है यहां पे आप देख सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यानी कि 8 सूत बनता है एक इंच में। अब फिर से मैं आपको टेप से बता देता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। 19 से 20 बता रहा था मैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं बोला था आपको कि चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3, 4, ये तीन लाइन है बड़ी बड़ी। अब हर लाइन के बीच में भी एक लाइन थी ये वाली, जो इस लाइन से इस लाइन पे और इस लाइन से इस लाइन पे जब जाएंगे तो एक एक सूत होता जाएगा, ये एक सूत हो जाएगा, ये दो सूत हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये एक सूत हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच, ये छः और ये सात और ये आठवें पर पहुँचे, उसके बाद ये इंच आ गया, तो ये हो गया 8 सूत, 8 सूत हो गया एक इंच में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके बाद में भी एक और डिवाइड किया गया है, यानी कि ये जो है इसके बाद भी एक छोटी छोटी सी लाइन को डिवाइड किया गया है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका यूज़ नहीं होता है। ओके, इसको आप बोल सकते हैं कि ये हाफ सूत है, क्योंकि बिल्कुल इसको ही हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाफ सूत है। अगर इसको आपको लिखना है तो वो किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि ये एक इंच हो गया, एक इंच को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3, 4 चार पार्ट में, तो उसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 1/4, क्योंकि चार पार्ट में डिवाइड किया गया है उसका पहला हिस्सा, ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 3/4, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको जब हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि हाफ इंच। अगर 19.5 इंच बोलता है तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, तो ये हाफ इंच हो गया। अब ये जो सूत है, अगर सूत को भी इंच में आपको लिखना है तो वो किस तरीके से लिखेंगे वो आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे मालूम है कि सूत को 8 डिवीजन मिलता है तब वो जाके वो एक इंच बनता है, तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1/8, ये तो हो गया 2/8, तो ये हो जाएगा 3/8 और 3/8, तो ये हो गया 4/8, तो ये हो जाएगा 5/8, ये 6 और तो ये हो जाएगा 7/8 और यहाँ पे 8/8 पहुँचे तो ये हो गया एक इंच। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इंच में भी लिख सकते हैं, अगर इंच में लिखना है तो, राइटिंग में लिखना है तो, अगर हमको इस पॉइंट पे पहुँचना है सिर्फ, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 19 1/8 इंच, इतना अगर इतना हम लिख दिए तो हमको इस पॉइंट पे आके रुक जाना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि 19 5/8,
5/8 इंच। तो आप सोचते रहेंगे कि आपको जाना कहाँ तक है, मतलब कहाँ पे आके रुकना है, तो यहाँ पे आप आके आपको रुक जाना है सिंपली। यानी कि अगर आप सूत में देखेंगे तो 9 इंच, 1, 2, 3, 4, 5, 9 इंच 5 सूत ये बन जाएगा आपका। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको टेप की हेल्प से सूत का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।